हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आएगी थोर की पावर और साथ साथ हमारे पास होगा थोर का हथौड़ा। ये देखो, अभी तो टकला नोबिता यहाँ पर खड़ा हुआ। अरे मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि आज हम बनेंगे थोर और थोर की सारी पावर हमारे पास होगी। पूरे पावर तो तब होगी ना जब हमारे जेब में पैसे होंगे। अरे हाँ यार, अभी तो हमारे जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। यहाँ पर हमने एक मशीन लगा दी है जो हमें पैसे कमा के देगी। और देखो यहाँ पर कितने धीरे धीरे पैसे बन रहे हैं। हमें यहाँ पर दूसरी मशीन लगानी होगी। अरे चलो कोई बात नहीं, जितने भी पैसे इकट्ठे हुए उन सबको इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर हम खोलते हैं दूसरी मशीन। ये क्या, यहाँ पर पैसे को इकट्ठे करने बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। अरे फिर एक काम करते हैं, बाहर थोड़ा घूम के आते हैं। और ये देखो गाइस, यहाँ पर और लोग कितने बड़े बड़े घर है। और जितने बड़े घर है मतलब उनके पास उतनी सुपर पावर है। चलो गाइस, हम भी यहाँ पर पावर को बढ़ाते, इसलिए यहाँ पर हम तीसरी मशीन लगाते। और हमें यहाँ पर ढेर सारी मशीन लगानी होगी और ढेर सारे अपने लेवल अपग्रेड करने होंगे, तभी हमें यहाँ पर थोर की पावर मिलेगी। अरे होने तक क्या। और ये देखो गाइस, हमारे यहाँ पर लास्ट मशीन लग चुकी है। यहाँ पर जितना भी हमें पैसा मिलना था अब हमें मिलेगा। और अब वक्त आ चुका है कि यहाँ पर हम हमारी पहली पावर को खोले। अरे यार, मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर पहली पावर में हमें मिल जाए थोर का थोड़ा। चलो गाइस, पहले यहाँ पर कारपेट लगाते। अरे वाह, कारपेट लगाने से हमारा बेस तो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। गाइस अब वक्त की घड़ी आ चुकी है, अब हम यहाँ पर लेंगे हमारी पहली पावर। और देखते इस पावर का क्या नाम है। अरे इस पावर का नाम है मिजोनियर टॉस। और लगता हमारे पास थोर का हथौड़ा आएगा। अरे वाह, ये देखो गाइस, हमारे पास आ चुका है थोर का हथौड़ा। अब जो भी ज्यादा बोलेगा उसके टकले में हम यही मारेंगे। चलो गाइस, इस पावर को इस्तेमाल करके देखते। अरे क्या, ये हथौड़ा तो हमारे पास आ रहा है बिल्कुल थोर की तरह। अरे यार, यही पावर तो मुझे चाहिए थी। इसको मैं जितना चाहे उतना दूर फेंकूंगा, लेकिन ये मेरे पास जरूर आएगा। ये देखो, गोल गोल घुमाया और ये फेंका और ये फिर से मेरे पास आ गया। ये पावर तो सच में सुपर डुपर है। चलो गाइस, वक्त आ चुका है कि यहाँ पर किसी का टकला हम इस हथौड़े से फोड़े। अरे ये देखो, वहाँ पर तो कितने ज्यादा लोग हैं। और एक के पास तो थोर का हथौड़ा है। ये क्या, एक तो फ्लैश की तरह तेज भागती है। और पता नहीं यहाँ पर किसके पास कौन कौन सी पावर है। अरे हमें क्या करना, हम तो यहाँ पर हथौड़े से इसका सर फोड़ देंगे। चलो गोल गोल घुमाते, इसे मारते। ये तो लगता है सुपर पावरफुल थोर है, इसके पास तो बिजली के झटके भी है। अरे इसका मतलब कि ये हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। इससे बढ़िया मौका यही होगा कि हम यहाँ से पतली गली पकड़े और यहाँ से निकले। सही का, नहीं तो वो हमारे टकले को इतनी जोर के थोड़ा मारेगा कि उसमें तरबूज इतना फोड़ा हो जाएगा। भागो भागो भागो, मैं तो उनको नकली समझ रहा था लेकिन वो तो असली थोर निकले। अरे देखो, अब हमारे यहाँ पर सेकंड पावर खुल चुके हैं। इसका नाम है स्टॉर्म स्ट्राइकर। यहाँ पर ये कैसी पावर है। अरे चलो देखते हैं, भगवान की खतरनाक पावर है। अरे वाह, ये भी काफी खतरनाक पावर है, इससे तो हम पूरी धरती हिला देंगे। चलो गाइस, यहाँ पर फिर से करते इस पावर का यूज। और ये क्या, बिजली के झटके के साथ साथ यहाँ पर भूकंप आ गया, ये पावर ही बहुत ज्यादा मस्त है। अरे ये क्या, ये चोर का बच्चा कहाँ से आ गया। अरे वो भाग यहाँ से, अरे मैं नहीं तो मैं इतना सर फोड़ दूंगा। और ये देखो, डर गया, भाग गया। अरे हमसे तो हर कोई डरेगा ना, क्योंकि हम तूफान के देवता है। अरे तूफान के नहीं, यहाँ पर बिजली के देवता है बेवकूफ। चलो गाइस, अब अपने बेस को अपग्रेड करते ताकि हमारे बेस के अंदर कोई ना आ सके। अरे यार, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये लेजर लाइट लगानी है ताकि कोई भी हमारे घर के अंदर ना घुस सके। और चलो गाइस, फटाफट से अपने बेस को और ज्यादा हमने अपग्रेड करना है ताकि हम इसे और ऊंचा कर सके। अरे हाँ यार, चलो गाइस, यहाँ पर अब हम लगाने वाले हैं ट्री, क्योंकि वैसे भी गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में तो पेड़ लगाना चाहिए ना। चलो यहाँ पर कुछ डब्बे रख देते जिसमें हम आइसक्रीम वगैरह मजे से खाएंगे। और चलो गाइस, अब वक्त आ चुका है कि यहाँ पर अब हम बनाए सेकंड फ्लोर। अरे वाह, ये देखो हमने यहाँ पर सेकंड फ्लोर को बना दिया। अब बस हमें ऊपर जाने के लिए कुछ पौड़ियाँ बनानी होगी। ये देखो, यहाँ पर मैंने पौड़ियाँ लगा दी है। अब हम फटाफट से चलते सेकंड फ्लोर में और उसको भी फटाफट से अपग्रेड कर लेते। चलो गाइस, अब हम खोलेंगे हमारी तीसरी पावर। अरे इस पावर का नाम है लाइटिंग डैश। चलो उसको इस्तेमाल करके देखते। अरे ये क्या, हम तो पलक झपकते यहाँ से वहाँ पहुँच गए। और लगता है सुपर फ्लैश वाली पावर है, एक जगह से दूसरी जगह चुटकियों में पहुँच सकते हैं, बिल्कुल बिजली की तरह। अरे गाइस, जरा सामने देखो, सामने ये तो कैप्टन अमेरिका। और ये कैप्टन अमेरिका डायनासोर जितना बड़ा कैसा होगा। चलो गाइस, इसको सबक सिखाते। अरे अभी हम बहुत ही पिद्दी से और हमारे पास कुछ खास सुपर पावर भी नहीं है, तो उससे तो दूर रहने में ही भलाई है।
चलो गाइस अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारी फिफ्थ पावर, इसका नाम है गॉड ब्लास्ट। अरे जिसके नाम में ही गॉड हो वो तो खतरनाक पावर होगी ना। सूर्य क्या ये तो हवा में उड़ रहा, बहुत ही खतरनाक हमले कर रहा है। अरे यार ऐसी सुपर पावर का इस्तेमाल करके तो मजा आ रहा है। चलो गाइस अब हम यहाँ पर जा रहे हैं हमारे थर्ड फ्लोर में। लेकिन अभी हम थर्ड फ्लोर में नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? अरे जब थर्ड फ्लोर बनाए नहीं है तो जाएंगे कैसे बेवकूफ। चलो गाइस यहाँ पर अब बस हमें यहाँ पर लगाने लाइट है, उसके बाद हमें यहाँ पर लगाने कुछ पौड़ियाँ, उसके बाद हमारा थर्ड फ्लोर भी बन जाएगा। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि थर्ड फ्लोर में मिलती है हमें खतरनाक सुपर पावर। चलो गाइस यहाँ पर फटाफट से पहले मशीन लगाना शुरू करते। चलो गाइस यहाँ पर जितनी मशीन लगाएंगे उतने ज्यादा पैसे कमाएंगे। और गाइस यहाँ पर हमने अब अपने थर्ड फ्लोर को पूरा अपग्रेड कर लिया। देखते यहाँ पर कौन कौन सी पावर है। यहाँ पर इसका नाम है बाइफ्रॉस्ट, ये तो खतरनाक पावर है वो भी। अरे चलो फिर इसका इस्तेमाल करते। ये क्या, इसे इस्तेमाल करने से तो हर जगह आग ही आग लग गई। ओह नो। चलो गाइस अब हम हमारी लास्ट पावर यूज करने वाले, इसका नाम देखते क्या है। अरे इसका नाम है थंडर स्लैम। ये कैसा अजीब सा नाम है। अरे जैसा भी नाम हो देखते इसका काम कैसा है। चलो गाइस अब हम इस्तेमाल करने वाले थंडर स्लैम। ये क्या, ये तो हवा में उड़ के जोर से मारता है हथौड़ा। इससे अच्छा अच्छा की टूट जाती है कमर। चलो गाइस अब हम यहाँ पर लेने वाले थोर का सूट। यहाँ पर थोर का सूट लेने के लिए हमें अपने फोर्थ फ्लोर को पूरा अपग्रेड करना होगा। अरे चलो गाइस सबसे पहले ये यहाँ पर लेंगे हम थोर का सूट। और देखो ये रहा हमारा थोर का बढ़िया सा सूट। देखते हैं इस सूट में हमारा टकला नोबिता कैसा लगता है। अरे वाह इसमें तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा हूँ। अब चलो वक्त आ चुका है टकले यहाँ पर लड़ने का। अरे हाँ हाँ अब मैं थोर बन चुका हूँ और ये क्या मेरे सामने दूसरा थोर है। दिखा दो तुम ही असली थोर हो नोबिता। अगर ऐसी बात है तो चलो उसमें मैं अटैक करता हूँ। ये क्या उसने भी अपना हथौड़ा निकाल लिया। अगर वो भी अपना हथौड़ा निकालेगा मैं भी अपना हथौड़ा निकालूंगा। बाबा तुमने तो उसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम कर दी। चलो उस पे एकदम गॉड ब्लास्ट हमला करो। अरे ये देखो उसको मैंने हवा में उड़ा दिया, अब बस उसकी हेल्थ थोड़ी सी बची है। यहाँ पर तुम भवन डर ले क्या, उसको हवा में उड़ा दो। अरे ये देखो बस वो मरने वाला, अब मैं करूंगा फाइनल हमला। ये क्या तुम तो उसको हथौड़े से मारते जा रहे। अब यहाँ पर बिजली का झटका दो। ये देखो बिजली का झटका देने के बाद उसकी बस थोड़ी सी हेल्थ बची है और ये आखिरी हमला। अरे बस यहाँ पर आखिरी हमला दोबारा से करो, उसका खेल खत्म कर दो। अरे ये देखो मैंने इस नकली थोर को हरा दिया और गाइस यहाँ पर जीत चुका है तुम्हारा अपना टकला थोर। चलो गाइस अब हम चलते उस कैप्टन अमेरिका के पास। उसको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये तो डायनासोर से भी ज्यादा बड़ा है। अरे पहले करेंगे बिजली का अटैक। ये क्या, ये तो हमारे पीछे पड़ चुका है। अरे कोई बात नहीं इसमें अब मैं करूंगा सुपर थंडर स्लैम। इससे उसका खोपड़ा तो फूट गया होगा। और देखो गाइस उसकी भी बत्ती बुझ गई, इसका मतलब हमने उसको भी हरा दिया। अरे जरा पीछे देखो पीछे। कोई बात नहीं इसको मैं फिर से पकड़ लूंगा, कब तक बचेगा नकली थोड़ के बच्चे। और एक बार जोर के इसके टकले पे हमर मारो ताकि ये तुम्हें कभी भी परेशान ना करे। अरे कोई बात नहीं अब मैं दूंगा से बिजली का सुपर झटका। और ये क्या, ये तो बच गया। अरे कब तक बचेगा, अब देखो इस पे मैं करूंगा थंडर स्लैम। इससे तो बड़ा सा कैप्टन अमेरिका नहीं बच सका, ये कैसे बचेगा। और ये क्या, ये तो फिर से बच गया। लेकिन अब नहीं बचेगा। अरे नोबिता इसे कर दो खत्म। अरे ठीक है अब मैं इस पे करूंगा अपना मेजोनियर का हमला, चाहत तोड़े उसको सबक सिखा के। और ये क्या, तुमने फिर से उस नकली थोर को हरा दिया। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।